हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम पेपर सेट नंबर 3 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं सेक्शन ए की। सबसे पहले तो सेक्शन ए में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था एवलाइन कैन बी कॉज्ड बाय, तो उसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, न्यू स्नो और रेन। क्वेश्चन नंबर 2 था कमेंट ऑन वार्निंग साइंस, तो इसमें पैराग्राफ नंबर 3 में हम लोगों को दो सेंटेंसेस दे कर रखे थे, एक सो पैराग्राफ 3 में व्हेन ओवर अ फुट ऑफ फ्रेश स्नो फॉल्स एक्सपर्ट्स हाउ टू बी ऑन द लुकआउट फॉर एवलांचेस, ये फर्स्ट कमेंट था। दूसरा कमेंट या फिर आप एक्सप्लोसिव्स के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि जो डेडली एवलांचेस अकर होते हैं वो जब 80 माइल्स पर आवर से ज़्यादा स्पीड पर करते हैं, वो एक कमेंट हो सकता था। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन था मेंशन टू रीजंस व्हिच डिस्ट्रॉयड द नेचुरल सीनरी, तो पहला हमारा रीज़न था कि हम लोग आर्टिफिशियल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक्सप्लोजिव्स, स्कायर्स एट्सेट्रा। और दूसरा ये था कि उसकी वजह से रेल रोड्स, टाउन्स ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था अपोजिट ऑफ ट्रिगर, तो अपोजिट ऑफ ट्रिगर होता है प्रिवेंट। फिफ्थ है द राइटर विल एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन लास्ट पैराग्राफ, तो लास्ट पैराग्राफ में हमारा बात किया गया था कि हम एवलांच से कैसे बचें, तो उसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर ए होगा, क्योंकि हमें इसमें दिया गया है यू मे नॉट हैव एन आइडिया ऑफ विच वे इज़ अप एंड विच वे इज़ डाउन, तो इसमें अप का अपोजिट डाउन है, तो हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि गैदर का अपोजिट डिस्पर्स होता है। सेवन्थ क्वेश्चन था द मेजर कॉजेज विच डू नॉट ट्रिगर एवलांच, तो हमारे जो पैराग्राफ में प्लास्टिक वेस्ट की बात नहीं की थी, और प्लास्टिक वेस्ट की वजह से एवलांच ट्रिगर नहीं होता। एट्थ क्वेश्चन में हम लोग को कंप्लीट द सेंटेंस करना था, द एक्सप्लोसिव्स कैन बी यूज्ड इन प्लेसेस, तो ये हमारा, तो उसका आंसर हमको पैराग्राफ में 3 में मिलता है, एक्सप्लोसिव्स कैन बी यूज्ड इन प्लेसेस विद मैसिव स्नो बिल्डअप्स टू ट्रिगर स्मॉलर एवलांच, तो ये लाइन हम लोग को पूरी लिख देनी थी। 9th क्वेश्चन था द वर्ड डेडली इन द पैराग्राफ 3 मोस्टली नियरली मीन्स, तो डेडली का मीन्स होता है लाइकली टू कॉज डेथ, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 10th क्वेश्चन था सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द एवर पैसेज, तो हम लोगों को पैसेज में सिर्फ एवलांच के बारे में बताया गया कि एवलांच किस वजह से होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, क्या ट्रिगर्स होते हैं, और कैसे बचा जाए, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं अब सेकंड पैराग्राफ की, तो इसमें पहला क्वेश्चन था हम लोग को एक रीज़न देना था पैराग्राफ 1 से, तो रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन इज़ नॉट ईजी, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक रीज़न हो सकता है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और या फिर उसमें एक और रीज़न था कि जो निगलेक्ट किया जाता है ट्रैफिक जैम को, उसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द रीजन्स फॉर इंक्रीज ट्रैफिक कंजेशन आर, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर कार्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोग को एनालॉगी दिया गया था, तो इसमें हम लोग को करेक्ट वर्ड ढूंढना था पैराग्राफ 5 से, तो हम लोग को दिया था ऑर्गेनाइज, केओटिक, लोएस्ट और ब्लैंक दिया था, तो ऑर्गेनाइज एक सीरियल होता है, और केओटिक मीन्स बहुत ढेर सारा अनऑर्गेनाइज्ड वे में, तो उसका लोएस्ट और उसका अपोजिट पीक होगा, जिसका मतलब हाईएस्ट होता है। फोर्थ आंसर होगा द इन्वायरमेंट, क्योंकि हमको बात किया गया है कि इन्वायरमेंट को बैडली अफेक्ट करता है, द व्हीकल्स एमिट पोल्यूटेंट्स विच अफेक्ट द इन्वायरमेंट बैडली। फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल रिड्यूस, तो हम लोग को ट्रैफिक कंजेशन इससे कम होगा, तो हम लोग का आंसर था ट्रैफिक कंजेशन। सिक्स्थ है हम लोग को इसमें ऑप्शंस को सिलेक्ट करके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको टिक करना था, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि कार पूलिंग के बारे में हम लोग को बात किया गया था, और इंक्रीज इन पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है इसके बारे में बताया गया था, ताकि रिड्यूस हो ट्रैफिक, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 1 और 3। अब इसमें हम लोग को ईयर 2019 और 22 की का ग्राफ दिया है, और इससे हम लोग को स्टेटस पता करना था ट्रैफिक का,
तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम लोग का 2019 और 2022 के बीच में ट्रैफिक कम था, क्योंकि उस वक्त एक रीज़न हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कार प्रोडक्शन कम हुआ था। एट्थ क्वेश्चन है, गिव द रीजन फॉर इंक्रीज इन वेहिकुलर कंजेशन। तो इसका आंसर हम लोग को पैराग्राफ टू में मिलता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। फिर उसके बाद पैराग्राफ फोर में मिलता है, इंक्रीज इन द प्राइवेट व्हीकल्स। और अगर हम ध्यान से पढ़ें आंसर नंबर पैराग्राफ नंबर फाइव को, तो इसमें एक रीज़न दिया था, पीपल शुड अवॉइड द अननेसेसरी कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स। तो एक रीज़न हमारा ये भी हो सकता है कि अननेसेसरी कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर नाइन था, फिल इन द ब्लैंक, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग वेहिकुलर कंजेशन। तो इसका आंसर होगा बी, एडवर्स। टेंथ क्वेश्चन में हम लोग को सब्सटीट्यूट करना था, पॉन्डर्ड अंडरलाइन किया गया, तो इसको हम लोग को सब्सटीट्यूट करना था, तो इसके जगह हम लोग कंटेम्पलेट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि पॉन्डर्ड का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को ध्यानपूर्वक देख समझना और सोचना। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की, जो ग्रामर सेक्शन था, तो इसके थर्ड का फर्स्ट आंसर होगा ब्रोक इनटू, द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस व्हेन द ओनर्स वर अवे। सेकंड आंसर होगा, इसमें हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, और इसका आंसर होगा द कस्टमर रिस्पॉन्डेड डैट ही वॉज लुकिंग फॉर अ मोर कलरफुल वन। थर्ड का आंसर होगा विल बी, क्योंकि अधिकतर रिपोर्ट्स जो आती हैं और हेडलाइंस आती हैं उसमें श्योरिटी दी जाती है, तो हम लोग इसमें विल बी का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ का आंसर होगा बी, एरर होगा आउट और करेक्शन फॉर। फिफ्थ का आंसर होगा ब्रॉट अप। सिक्स्थ का आंसर होगा वुड। सेवेंथ का आंसर होगा द डॉटर सेज डैट शी इज क्यूरियस टू लर्न अबाउट द पास्ट एंड आवर रिच हेरिटेज, क्योंकि उसमें उसकी वो हैबिट दिखाई जा रही है, तो हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ड शोइंग नियरनेस चेंज करेंगे। एट्थ का आंसर होगा एरर अमंग होगा और करेक्शन बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे दो अलग चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसके जब दो अलग चीज़ों के कंपेयर करते हैं तो हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। नाइन्थ का आंसर होगा रमेश आज राखी व्हाट चैलेंज शी हैड फेस्ड ऑन हर ट्रैक। टेंथ का आंसर होगा सी शुड। इलेवेंथ का आंसर होगा डी ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। इलेवन का आंसर होगा एरर डेस्टिनेशन और करेक्शन डेस्टिनेशंस। बाकी आपका ये राइटिंग सेक्शन था। फिर बात करते हैं सेक्शन सी की, तो इसका फर्स्ट आंसर सिक्स ए का फर्स्ट होगा, ऑन द सर्फेस इट अपीयर्स दैट एनी द 13 ईयर ओल्ड गर्ल हैव एवरीथिंग बट एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड। सेकेंड का आंसर होगा डी शी कॉल्स फॉर अ ट्रू फ्रेंड। थर्ड का आंसर होगा सी कॉमन एवरीडे थिंग्स। फोर्थ का ऑप्शन आंसर होगा एवरीथिंग। फिफ्थ का आंसर होगा ए टू डू समथिंग विलिंगली। फिर और की बात करें सिक्स बी का, तो इसमें फर्स्ट का आंसर होगा सी शी वॉज इन ए स्टेट ऑफ पैनिक। सेकेंड का ऑप्शन आंसर होगा स्पिरिट्स। थर्ड का आंसर होगा मिसेस हॉल वॉज अफ्रेड डैट स्पिरिट्स हैड एंटर्ड हर रूम। फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्टंट एंड एजिटेटेड 1 और 6। फिफ्थ का आंसर होगा स्पिरिट्स मीन्स घोस्ट, डैट इज आंसर नंबर ए। सेवेंथ ए का फर्स्ट का ऑप्शन होगा टीयर्स, क्रोकोडाइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर टीयर्स। सेकेंड का आंसर होगा फॉल्स, हाइनास आर फेमस फॉर वीपिंग फॉल्स, दे आर नोन फॉर देयर फॉल्स स्माइल। थर्ड का आंसर होगा डी बिगिनर, नोविस मीन्स होता है बिगिनर। फोर्थ में हम लोगों को दोनों एनिमल्स के नाम बताने थे जिनके ट्रेट्स को कंपेयर किया जा रहा है, और वो थे हाइना और क्रोकोडाइल। फिफ्थ का आंसर होगा इट राइम्स एंड एड्स ह्यूमर,
पोएट ने ऐसा इसलिए किया है, नॉन प्लस का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि वो राइम में हो और उसका कुछ सेंस बने। 7B के फर्स्ट का आंसर होगा स्किन। जो विविड स्टैंप थी वो उसके स्किन को रिफ़र कर रही थी। सेकंड का आंसर होगा अपोजिट ऑफ लाउड क्वाइट होता है। थर्ड, पैड्स ऑफ वेलवेट हम लोग को पॉज के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो ऑप्शन डी होगा पॉज। फोर्थ का आंसर ट्रू होगा। जो केज बनाया गया था उसने टाइगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। फिफ्थ का आंसर होगा द टाइगर वॉज लर्किंग इन शेडो टू कैच इट्स प्रे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब बात करते हैं लिटरेचर पोर्शन में क्वेश्चन आंसर की। तो प्रांजल और राजवीर अपनी जर्नी के दौरान, प्रांजल बुक पढ़ रहा था और राजवीर कहानियाँ सुना रहा था डिस्कवरी ऑफ टी की और बाहर देख रहा था। लंचो का जो लेटर था वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था और उसने फिर पैसे इकट्ठा करके भेज दिए थे। कुर्ग मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड बेंगलोर के बीच लोकेट करता है, कर्नाटक में है। दो कैरेक्टरिस्टिक वहाँ के पीपल की, वो अरबिक और ग्रीक डिसेंट के थे और वो एक ड्रेस कुपिया करके पहनते थे। कुपिया एक ड्रेस होती है वो पहनते थे। और जो वहाँ का कुर्गी रेजिमेंट है आर्मी में वो बहुत फेमस है। कस्टर्ड के पेट्स सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ उसके राउंड लगा रहे थे, कुछ अपनी तारीफें कर रहे थे और कुछ चिल्ला रहे थे। किसा गोतामी एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स की मांग कर रही थी जिसके घर कोई मरा ना हो, और उसको ऐसा नहीं मिला क्योंकि जो लाइफ होती है वो मॉर्टल होती है। जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है उसको मरना होता है। हरेन ने हरी सिंह को पुलिस में इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करता था और वो जानता था कि उसकी आदत छूट जाएगी चोरी करने की, और उसके विश्वास की वजह से उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। वॉट वॉज मिस्टर हैरियट्स स्ट्रिक्ट एडवाइस? तो हैरियट ने उसको एक्सरसाइज करने के लिए, वॉकिंग के लिए और उसके खानों पर पाबंदी लगाने के लिए कहा था, लेकिन मिसेस मैनफ्रेड ने ऐसा नहीं किया था। तो वल्ली की जो प्रॉब्लम्स थी वो डिफ़िकल्टीज ये थी कि उसको पैसा जुटाना था और फिर सबसे छुपकर बस में राइड करनी थी। बुद्धा ने उस कॉमन मैन को यह सिखाने की कोशिश की थी कि जिस तरह से किसा गोतामी ने सीखा कि जो लाइफ होती है वो मॉर्टल होती है, उसी तरह से उसने उस कॉमन मैन को भी सिखाने की कोशिश की थी। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ बदल सकता है, तो भोली के लाइफ में भी उसने ऐसा ही रोल निभाया था। जब विशंबरनाथ से उसकी शादी हो रही थी तो एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार बना था जो उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला था। बी का आंसर होगा कि जो लोग कुछ ज़्यादा ही अपने जितना एफोर्ड करते हैं उससे ज़्यादा मांगते हैं तो उनकी लाइफ जो होती है वो खुद ही बेकार करते हैं। तो उसी तरह मटिल्डा भी थी, उसने सोचा कि वो सारी लग्जरीज और डेलिकेसीज को अफोर्ड करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने नेकलेस मांगा और नेकलेस खोने की वजह से उसको कर्ज़ा लेना पड़ा, और फिर उसके बाद वो बर्तन मांजने लगी और दूसरों के घर काम करने लगी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। थैंक यू। ये थे सॉल्यूशन इंग्लिश 10th बोर्ड एग्ज़ाम के सेट नंबर 3।